इस समय धरती पर इंसानों की टोटल पॉपुलेशन 7 बिलियन है। सभी अपने विचारधारा, अपने हिस्ट्री और अपने सुपीरियरिटी को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इंसानों को मारने के लिए बड़े से बड़े हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन किया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर रह रहे सभी लोगों के एंसेस्टर एक ही हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा पर यह बात सही है। इस वीडियो में आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी की बात करेंगे कि कैसे बिलियन साल पहले प्रोटो सेल से आज हम इंसान बन पाए हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन की कहानी सबसे लंबी रही है जो एक चैन को बिलियन ऑफ ईयर से जुड़े हुए है। स्मॉलेस्ट प्रोटो सेल से लेके होमो सेपियंस और मॉडर्न ह्यूमन की जर्नी बहुत ही रिमार्केबल रही है। सर्वाइवल, एडॉप्शन एंड इनोवेशन से भरपूर रही। इवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर में मिलियंस ऑफ म्यूटेशन का कारण रहा है जिसमें फ्यू कैटेगरी ही हुई। प्रोटो सेल से मल्टी सेलुलर लाइफ, फिर एनिमल्स, एनिमल्स फिश एंड टेट्रोपोड्स, फिर मैमल्स, फिर ग्रेट एप्स एंड फिर होमो सेपियंस एंड उसके बाद फिर आज के इंसान जो इस समय धरती पे रह रहे हैं। आज से करीब 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ की शुरुआत हुई थी जो एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसको हम प्रोटोसेल कहते हैं, जो आगे चलकर धीरे धीरे डीएनए और आरएनए में चेंज और इवॉल्व होता चला गया। यह प्रोसेस कई बिलियन वर्षों तक चलता रहा और इसको यूनिसेलुलर लाइफ पीरियड कहा गया। आरएनए और कॉम्प्लेक्सिफाइड होता गया और डीएनए, जिससे कॉम्प्लेक्स एनिमल की शुरुआत हुई। अब तक रिसर्च के हिसाब से डिक्सिसोनिया पहला एनिमल है जो 800 मिलियन ईयर्स पहले था। यह प्रोसेस 540 मिलियन ईयर्स तक चला और इस टाइम पीरियड को हम एनिमेलिया यानी कि मल्टी सेलुलर लाइफ पीरियड कहा गया, क्योंकि यह कई सेल से मिलकर बना था। ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है मरीन लाइफ से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन। आज से 500 मिलियन ईयर्स पहले सभी लाइफ सी में रहती थी। फिश पहली प्रजाति थी जिनके पास स्टोमच, स्प्लेन और बॉडी कंपोनेंट थे। इस टाइम पीरियड में सभी लाइफ और लिविंग थिंग्स के पास बैकबोन डेवलपमेंट हो चुका। यह टाइम पीरियड लगभग 400 मिलियन ईयर्स तक चला। इसी टाइम पीरियड में लिविंग थिंग्स में बड़ा इवोल्यूशन देखने को मिला जिससे सभी के पास 4 पैर हो गए थे। इस टाइम पीरियड को टेट्रोपोडा कहा गया। इसी टाइम पीरियड के बाद धरती पर डायनासोर की शुरुआत होती है। डायनासोर धीरे धीरे और इवॉल्व होते गए। इस टाइम पीरियड को मैमालिया कहा जाता है। इस पीरियड में मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल धरती पर रहने लगे जिससे डायनासोर, चूहे शामिल थे। यह पीरियड लगभग 90 मिलियन ईयर्स पहले तक चला और अंत तक सभी डायनासोर खत्म हो गए और केवल कुछ लाइफ ही धरती पर सर्वाइव कर पाए। लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले पहला मैमल की शुरुआत होती है जो डायनासोर के साथ। धीरे धीरे मैमल्स में टीथ, हेयर और बॉडी टेम्परेचर रेगुलरिटी सिस्टम इवॉल्व हो गया जिससे ये सर्वाइव कर पाए। इस टाइम पीरियड को प्राइमेट्स कहा जाता है जो 15 मिलियन ईयर्स पहले तक था। इस पीरियड में मंकी, बर्ड, रेप्टाइल्स धरती पर लिविंग थिंग्स में थे। आज से 15 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में पहली बार मंकी, चिंपैंजी और गोरिल्ला इन्वॉल्व हो चुके थे। धीरे धीरे ओवर ऑल पीरियड उनके बॉडी में चेंजेस देखने को मिला। वे अब 4 पैर की बजाय 2 पैर से चलने लगे थे। उनके शरीर को टेम्परेचर मेंटेन के लिए हेयर और टीथ इवॉल्व हो चुके थे। यह टाइम पीरियड 7 मिलियन ईयर्स पहले तक चला और इस टाइम पीरियड को यह टाइम पीरियड होमो सेपियंस पहले का टाइम पीरियड था। आज से लगभग 7 मिलियन ईयर्स पहले ग्रेट लैप्स अफ्रीका में इमर्ज हो चुके थे। ये एप्स गोरिल्ला और चिंपैंजी थे जो हाई इंटेलिजेंट और सोशल क्रिएचर थे। इन ग्रेट एप्स की एक स्पीसीज से होमोजेनियस स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ जो कई मिलियन ईयर्स तक चला और जो हमारे पूर्वज रहे। इस टाइम पीरियड को होमोजेनियस कहा गया। इस टाइम पीरियड में काफी चेंजेस देखने को मिले जिसमें ब्रेन साइज बढ़ना, बैकबोन स्ट्रांग होना, टूल कंस्ट्रक्शन और शिकार करके जानवर खाने की शुरुआत हो चुकी थी। रिसर्चर आज भी होमो सेपियंस की एग्जैक्ट प्रोग्रेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि समय समय पर दुनिया के अलग अलग पार्टों से मानव के कंकाल मिलते रहते हैं जो डिफरेंट स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कौन आया है यह आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है रिसर्चर के लिए। पिछले 10,000 सालों में इंसान के फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटी में काफी चेंजेस देखने को मिला है। हमने इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी में मोर ग्लोबलाइज्ड और होमोजेनियस ह्यूमन पॉपुलेशन देखने को मिला है। फ्यूचर के लिए कई थ्योरी सजेस्ट करती है कि ह्यूमन फ्यूचर आगे चलकर टॉलर, लाइटर बिल्ड विद स्मॉल ब्रेन साइज और लेस अग्रेसिव पर्सनालिटी का होगा। ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी में
जेनेटिक इन्वायरमेंट और कल्चरल फैक्टर का काफी योगदान रहा है। अगले 10,000 सालों में इंसान कैसा होगा, प्रिडिक्शन मुश्किल है, पर कैसा होगा ये हमारे आज की एक्टिविटी पर काफी डिपेंड करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।